गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज का हमारा टॉपिक है प्रिंटर। चलते हैं भाई बोर्ड पर। प्रिंटर मॉनिटर हमने कल कंप्लीट कर लिया था, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंटर। प्रिंटर 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 में होता क्या है, पहले तो समझ लेते हैं। प्रिंटर कैसे डिवाइस है, आपका एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, लिख देता हूँ मैं, साथ साथ में नोट करते रहेंगे, डेफिनेशन भी हो जाएगी। डिवाइस है कैसे डिवाइस है भाई, ये प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके किसके लिए यूज होता है, कंप्यूटर से प्राप्त डाटा, कंप्यूटर से प्राप्त डाटा, ठीक है, जो कौन से लिखा था आउटपुट डाटा को प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कागज पर छापने के लिए, ठीक है, किसका यूज है, प्रिंटर का। अभी एक प्रिंटर कैसे होते हैं, प्रिंटर भी आपके दो प्रकार के होते हैं, तो कलर एक ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। नॉर्मल अगर साइज के आधार पर देखें तो हम, ठीक, कलर भी होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट, भाई ये मैंने केवल आपको साइन के आधार पर बताया, ठीक है ना, अभी प्रिंटर के आधार पर नहीं बताया। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर वैसे भी दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो आपके इंपैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब ये तार लीजिए, इसके बाद में आगे बताता हूँ मैं, एक मिनट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उधर गया होगा भाई सबका, ठीक है। अभी आपने समझा भाई प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट डेटा को प्रिंट करने, कह सकते हैं, या कागज़ पर छापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़े से एग्जाम्पल रूप पर, कागज़ पर छापने मतलब कैसे, हार्ड कॉपी के लिए, हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए। भाई जैसे हमने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, हम मान लो, अभी मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ये एमएस ऑफिस मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ पर हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, इसके अंदर हमने नाम लिख दिया हरीश या एच बना दिया मान लो। अब ये जो हरीश नाम लिखा और है इसके अंदर, क्या ये हार्ड कॉपी, इसको हम छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, हाँ ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सॉफ्ट कॉपी। कैसी है हमारे पास ये सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। कौन सी भाई हमारे पास है, ये हमारे पास में सॉफ्ट कॉपी, जिसको केवल हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते इसको, ठीक है, छू नहीं सकते, बस ये केवल हम देख सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर से, मॉनिटर पे हमें कौन सी कॉपी प्राप्त होती है जो हम काम करते हैं, सॉफ्ट कॉपी। कौन सी, सॉफ्ट कॉपी। अब प्रिंटर से क्या काम करेंगे, जैसे मान लो प्रिंट करा, प्रिंट करने के बाद, प्रिंट होने के बाद, होने के बाद, बाद क्या होएगा, ये ऐसे एक ए फोर शीट पर निकल कर जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा हरीश। अब आप इस कागज़ को छोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं, जो मर्जी चाहो वो कर सकते हैं। ये कौन कॉपी हुई, ये हुई हमारी हार्ड कॉपी। कौन सी होगी, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी, तो ये बात ध्यान रहे, प्रिंटर से हमें प्राप्त
प्राप्त होती है हार्ड कॉपी, जिसको हम छू छू सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं, ठीक है, फाड़ सकते हैं, जो भी हम करना चाहें इसके साथ में हम कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटर से प्राप्त होती है हमें सॉफ्ट कॉपी। यही समझाना था भाई, प्रिंटर का आविष्कार किसके लिए हुआ, वह जो सॉफ्ट कॉपी होती है उनको हार्ड कॉपी के रूप में हमें प्राप्त करने, जो डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे सॉफ्ट कॉपी के रूप में, उनको हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करने के लिए हमारे प्रिंटर का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको एक बार, तार लीजिए, उसके बाद रफ कर दूंगा मैं इसको। चलते हैं भाई, होगा कोई समझा, कुछ चीज़ है नहीं प्रिंटर से, बस इतनी है प्रिंटर से अगर आप मॉनिटर पे काम कर रहे हो तो हमें मिलेगी सॉफ्ट कॉपी, और प्रिंटर से अगर उसको प्रिंट कर दिया गया तो वो बन जाएगी हार्ड कॉपी, फिर उसको हम छू सकते हैं, तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, उसको जो चाहे वो चीज़ हम कर सकते हैं। प्रिंटर, अब प्रिंटर होते क्या हैं आपको पता लगा, प्रिंटर की डेफिनेशन भी बता दी। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट डेटा को प्रिंट करने, कागज़ पर प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमें हमारे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रदान करता है, क्या कैसी कॉपी प्रदान करता है, हार्ड कॉपी। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर्स प्रिंटर्स के प्रकार, प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर्स के प्रकार, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल सी बात है, प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के, दो प्रकार के। फर्स्ट आता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर्स इंपैक्ट प्रिंटर, सेकंड आता है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर ठीक है भाई। दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं आपके, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर होते हैं जो आपके होते हैं ये इंपैक्ट प्रिंटर, ये किसकी तरह कार्य करते हैं, एक बिल्कुल टाइपराइटर की तरह। टाइपराइटर आप देखते हो ना भाई, आप जैसे कहीं भी कोर्ट कचहरी में जाते हैं, वहाँ कोर्ट के बाहर लाइन लगी रहती है, जो एफिडेविट वाले बनाने बैठे होते हैं ना वकील, जो आपके एफिडेविट बनाते हैं, तो उनके पास जो टाइपराइटर हो, कौन सा प्रिंटर होता है, वो आपका होता है इंपैक्ट प्रिंटर। कौन सा, इंपैक्ट प्रिंटर, जिसमें एक एक वर्ड लिखा जाता है। ठीक है, एक एक वर्ड को बारी बारी से लिखते हैं। और इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होता है भाई, आपके जैसे साइबर कैफे आपने देखा है, जहाँ फोटो कॉपी वगैरह करवाते हैं वहाँ पे यूज होता है आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का, जहाँ पे पूरे पेज के पेज एक साथ निकाले जा सकते हैं। ठीक है, अब ये जाते हैं प्रिंटर की गति किसमें मापते हैं, तार लीजिए भाई ये भी फटाफट। ठीक है, आप चलते हैं प्रिंटर की गति भाई, प्रिंटर की गति भी तो होगी, कितनी स्पीड से काम करता है, कितनी से स्पीड नहीं करता है, तो गति नापने का कारण मतलब किस प्रकार से नापी जाती है वो मैं बताऊंगा आपको। हर प्रिंटर की स्पीड अलग अलग होती है, किसी की भी निश्चित नहीं होती, कोई एक सेकंड में 4 पेज निकालता है, कोई 1 सेकंड में 40, कोई 400। ठीक है, तो इनकी सबकी गति अलग अलग होती है। एक सेकंड रुकिए भाई। ठीक है, प्रिंटर की गति, एक मिनट के लिए रुकेंगे यहाँ पर। प्रिंटर की वजह गति है, प्रिंटर की गति माप कैसे कैसे मापते हैं, जैसे भाई सबसे पहले कोई भी प्रिंटर हुआ, तीन चार प्रकार से गति नापी जाती है। सबसे पहले आता है करेक्टर, करेक्टर पर सेकंड, ठीक है, इसे आप बोलते हैं CPS। दूसरे में अगर गति नापनी है आप कैसे नापोगे, लाइन
लाइन पर मिनट, इसे आप बोलोगे एल पी एम। तीसरा की गति होती है, इसे आप हो गया पेज पेज पर मिनट, पी पी एम। ठीक है, तीन प्रकार से प्रिंटर की हम गति को नाप सकते हैं, प्रिंटर की गति को नाप। हर एक प्रिंटर की गति भी अलग अलग होती है, किसी की गति होती है जो एक मिनट एक सेकंड में एक ही करेक्टर यानी कि एक वर्ड ए बी सी डी इस प्रकार से लिख सकता है, कोई लाइन टाइप कर सकता है, कोई अपना पेज भी प्रिंट कर सकता है। हर प्रिंटर की गति अलग अलग होती है, ये सब आपको आगे बता दिया जाएगा भाई। जैसे जैसे प्रिंटर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उनकी गति भी मैं आपको बताता जाऊँगा, जो जिस प्रिंटर की जितनी भी होगी। चलते हैं भाई आगे, आप आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं प्रिंटर में, वो पढ़ने वाले हम इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा? इम्पैक्ट प्रिंटर। रफ कर दे रहा हूँ भाई मैं इसको, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर भाई देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर की सबसे बड़ी पहचान ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर जो आपके कोर्ट के बाहर जो भी आपके एफिडेविट वगैरह बनाने के लिए वकील जो बैठे होते हैं वो आपके सब इम्पैक्ट प्रिंटर का ही यूज़ करते हैं, बिल्कुल टाइपराइटर। सही समझे आप? ठीक है, ये बहुत आवाज़ करते हैं डड़ डड़ करके, कुछ जनरेटर की तरह टड़ डड़ आवाज़ आती रहती है इनमें। तो ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर की सबसे बड़ी पहचान है, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, इंक की आवश्यकता पड़ती, इनमें इंक की आवश्यकता पड़ती है। किसकी भाई? इंक की आवश्यकता पड़ती है। लिखती होता हूँ मैं, साथ समझते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर। हल्का चल रहा है मार्कर, थोड़ा देख लेते हैं, दूसरे मार्कर ले लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर की सबसे बड़ी पहचान भी इंक डलती है, ठीक है, यानी साइन। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है? कलर डलते हैं, ठीक है, इनमें डलती है साइन। और इसकी एक और पहचान है, ये बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इसमें आपको बहुत ही धीमे गति से काम करते हैं, कोई बहुत ही धीमे गति से काम करते हैं। मैं लिखता जाऊँगा पॉइंट साथ साथ में, आप उतार लेना। करते हैं दूसरा टॉपिक है इसका। एक तो हो गया भाई बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, ठीक है, बहुत धीमे धीमे काम करते हैं। तीसरा पॉइंट आएगा इसमें, एक बार में केवल इसे छोड़ देते हैं, इस वाले लिखते हैं, इस वाले को रफ कर देते हैं भाई, ठीक है, बहुत महंगे होते हैं, देख सकते हैं आप, होते हैं इंक की जरूरत पड़ती है, ठीक है भाई, इनको चलाने के लिए एक दो तीन चार पांचवा इसका पॉइंट है, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, बहुत धीमे धीमे काम करते हैं, बहुत महंगे होते हैं और इंक की जरूरत पड़ती है, ये केवल
केवल ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट करते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये इसकी होगी पांच पहचान इम्पैक्ट प्रिंटर की, आप एक बार तार लीजिए ने, ठीक है, उसके बाद मैंने रफ कर दूंगा। उतर गया होगा भी सबका, ठीक है। इसमें एक चीज़ और मिसिंग है, वो मैं लिख देता हूँ, टाइप राइटर, ये पॉइंट छूट गया था इसका। ठीक है भाई, तो आपने पढ़े इंपैक्ट प्रिंटर ये टाइप राइटर एक तरह काम करते हैं, बहुत महंगे होते हैं, शोर बहुत करते हैं, और ये ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट कर सकते हैं, बहुत ही धीमे धीमे काम करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंपैक्ट प्रिंटर में आने वाले निम्न प्रिंटर, ठीक है, इसके अंदर जो प्रिंटर आते हैं। तो भाई इसको मैं रफ़ कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको रफ़ कर देंगे, इसके बाद हम अपने चलेंगे। तो इसमें पहला प्रिंटर आएगा ये भाई आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता क्या है, ठीक है, इसको समझेंगे, क्या क्या पॉइंट इसमें मेन है, क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो पॉइंट मैं आपके यहाँ पर लिखवा दूंगा, ठीक है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता क्या है भाई, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका ये केवल एक बार में एक ही अक्षर लिख सकता है, क्या सकता है, एक बार में एक अक्षर लिख सकता है, बहुत तेज़ी आवाज़ करता है। इसमें क्या होता है आपका रिबन बना होता है भाई, रिबन, जैसे कि कोई होता है ना इस प्रकार से, जैसे कि भाई आपने वहाँ देखा होगा टाइप राइटर होते हैं, इस प्रकार से कोई पट्टी होती है, डर 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 अक्षर लिखते रहते हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी इस पर लिखे होते हैं, जो उनसे भी हम टाइप करते हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा पड़ता है अक्षर का, वो अक्षर हमारा पेज पर टाइप हो जाता है, किस पर टाइप हो जाता है, पेज पर टाइप हो जाता है, ठीक है, इस पर एक रिबन बना होता है, ये एक बार में एक ही करेक्टर टाइप कर सकता है, एक बार में करेक्टर को प्रिंट कर सकता है, सॉरी एक बार में एक ही करेक्टर को ये प्रिंट कर सकता है। इसके भी पॉइंट जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, फटाफट फटाफट मैं लिख दे रहा हूँ वो। बिल वाले से लिखते हैं भाई, यह एक करेक्टर प्रिंटर है, करेक्टर कैसे एक बार में एक ही अक्षर टाइप कर सकता है, क्या काम करता है, एक बार में से एक अक्षर टाइप कर सकता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लेटर प्रिंटर भी बोलते हैं, क्या भी इसे लेटर प्रिंटर, प्रिंटर भी बोला जाता है, बोला जाता है लेटर प्रिंटर भी, कैसे आपके लेटर होते हैं ना ए बी सी डी ई एफ जी एफ एच आई जे, कैसे जो भी सी डी होती हैं,
ठीक है, तो ये क्या काम करता है, एक बार में केवल एक ही लेटर को टाइप कर सकता है, केवल एक ही वर्ड, एक ही करेक्टर, ठीक है। तो ए दबाएंगे तो ए टाइप होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरी लाइन लिखना चाहते हैं वो टाइप नहीं होगी, इसमें केवल एक ही अक्षर जो दबाएंगे वही केवल एक अक्षर ही टाइप होगा और उसी को ये प्रिंट करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक रिबन लगा होता है जिस पर साइन लगी होती है, ठीक है, और हमारे जो अक्षर जो खुदे वर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे अभी आपने कोटकट यानी कि बाहर में हम टाइप राइटर देखे ना उस पर, ठीक है। तो जैसे ही हम दबाते हैं और इस पर छाप थोड़ी की तरह छाप पड़ती है अक्षर, वो कागज़ पर जाकर प्रिंट हो जाता है, हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही धीमे धीमे काम करते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं। पढ़ते हैं भाई अपने दूसरी तरफ, एक प्रिंटर आपने समझा, इसके बाद आता है आपका दूसरा। प्रिंटर दूसरे नंबर पर आता है आपका भाई डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, सब ब्लैक से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी का भी एक फ्लावर होता है, ठीक है, क्या होता है एक फ्लावर, ठीक है। तो डेजी व्हील प्रिंटर क्या कहते हैं, फूल के आकार से, इसमें क्या होता है, इस प्रकार से गोला बना होता है आपका, इस प्रकार से आपके ये, ठीक है, इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, ऐसे इसमें तीलियाँ बनी होती हैं। ये दोबारा बना देता हूँ मैं एक बार इसको, ठीक है, इस प्रकार से भी बने होते हैं इसमें। और जैसे यहाँ पर लिखा है, मान लो यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, इस प्रकार से इसमें अक्षर गूंदे होते हैं। जैसे जैसे हम अक्षर दबाते हैं ऐसे इसका पहिया घूमता है और तब ये जाकर अक्षर पेज पर प्रिंट करता है। किस पर प्रिंट करता है, पेज पर प्रिंट करता है, ठीक है। इसके भी लिख देता हूँ मैं, अब इसकी जो पॉइंट है वो लिख देता हूँ, अब आपने समझ लिया होगा, ठीक है। भाई क्लास मिस ना करें बिल्कुल भी, पूरा पूरा देखते रहें। ये भी भाई, हाँ ये भी एक करेक्टर प्रिंटर है, ये भी एक करेक्टर प्रिंटर, एक बार में एक अक्षर टाइप कर सकता है, एक बार में एक अक्षर टाइप कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भाई ये भी धीमे धीमे ही काम करेगा करेक्टर प्रिंटर तो, ठीक है ना। करता है, और ये क्या काम करता है आपके, जो आपने पहले पढ़ा था डॉट, डॉट मैट्रिक्स, प्रिंटर से थोड़ा कम शोर करता है, ठीक है भाई। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से थोड़ा को कम शोर करता है, करता है ये भी शोर बहुत ज़्यादा, लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बहुत ही कम, ठीक है, थोड़ा कम। आगे चलते हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपके थर्ड नंबर पर जो भी प्रिंटर आता है उसे पढ़ेंगे। मैं अभी आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर डेजी व्हील प्रिंटर पढ़ लिया आपने, आपने पढ़ लिया, फिर भी ड्रम प्रिंटर आएगा एक, ठीक है। इसमें अभी आपका लाइन प्रिंटर बचा हुआ है, तो हमारा टॉपिक है लाइन प्रिंटर। कौन सा है भाई, लाइन प्रिंटर।
लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर क्या होता है? लाइन प्रिंटर में एक सबसे बड़ी खासियत क्या, आप लोग हम एक ही करेक्टर को प्रिंट कर पा रहे थे, इसको एक ही करेक्टर, इससे क्या करेंगे पूरी पूरी लाइन को हम प्रिंट कर सकते हैं, क्या करते हैं पूरी पूरी लाइन को इसमें प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है इस प्रकार से चेन बननी होती है इस प्रकार से। ठीक है, उस पर यहाँ पर आपके ए बी सी डी इस प्रकार से अक्षर गुंदे होते हैं। ठीक है, और बीच इसके बीच में जब हम कागज़ को ये अपने आप को कागज़ को फंसाता है अपने अंदर, तो साई के साई अक्षरों पर लग जाती है और फिर पीछे से एक हल्का सा हथौड़ा लगता है, हल्का हथौड़ा टाइप में, ये नहीं कि प्रिंटर को तोड़ देगा, नहीं ये बस एक कह सकते हैं आप एक हल्का सा हथौड़ा ऐसे टच करता है वो साई पेज पर छप जाती है, जो ये लगता उसी अक्षर पर है जिसको हम टाइप कर रहे हैं। ठीक है ना, तो तभी वो अक्षर छप जाता है, इससे हम एक बार में एक पूरी लाइन को भी प्रिंट कर सकते हैं। चलते हैं भाई आगे समझा, अब इसमें लिख देता हूँ इसके पॉइंट फटाफट। ये नहीं इसलिए इससे पूरी लाइन को प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है भाई, इससे जो पूरी लाइन है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। बढ़ते हुए इससे भी हम पूरी लाइन को प्रिंट कर सकते हैं और इसे हम चैन प्रिंटर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? चैन प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी भी मान लो कोई क्वेश्चन दे लगे, क्या एक चैन प्रिंटर से पूरी लाइन को प्रिंट किया जा सकता है? हाँ, ठीक है, जवाब होएगा हाँ किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें चैन प्रिंटर को हम लाइन प्रिंटर बोलते हैं, लाइन प्रिंटर को हम चैन प्रिंटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक अंदर एक चैन लगी होती है जिसमें सारे अक्षर गूंधे होते हैं, जब और जब हमारा कागज़ इसमें अंदर जाता है, कागज़ और गूंधे हुए अक्षर के बीच में साई लगी होती है जो रिबन पे, और जैसे ही हम कोई भी अक्षर दबाते हैं उस वही अक्षर पे हल्का सा हथौड़ा पड़ता है जिससे वो अक्षर हमारे कागज़ पे प्रिंट हो जाता है। इससे हम एक साथ में पूरी पूरी लाइन को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं भाई आगे, लास्ट बचा भी हमारा ड्रम प्रिंटर। कौन सा? ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर ड्रम प्रिंटर ड्रम प्रिंटर होता क्या है? इसमें भी एक ड्रम लगा होता है। क्या लगा होता है? आपका ड्रम लगा होता है। ठीक है, ड्रम जैसे भी सिलेंडर होता है ना, गैस सिलेंडर इस प्रकार से, नहीं कुछ नहीं है, जैसे भी आपका ये आपने देखो ना ऐसे बेलनाकार ये ड्रम लगा था, उस पर ऐसे सारी लाइन गूंधी होती हैं ये, और उन लाइनों पर क्या होता है आपके अक्षर गूंधे होते हैं। क्या होते हैं? अक्षर गूंधे हुए होते हैं। जैसे भी आपका यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यहाँ पर ए बी सी डी इस प्रकार से छोटे बड़े हिंदी इंग्लिश में जो भी है। ठीक है, जैसे भी हम कोई भी करेक्टर दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो ड्रम प्रिंटर्स को हम उसकी सहायता से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके बाद में ड्रम प्रिंटर की वजह से उसको हम पूरा लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है भाई, इसको भी हम लाइन ड्रम प्रिंटर से लिख सकते हैं। इसके भी पॉइंट में लिख देता हूँ साथ साथ में, ठीक है, इसको भी हम लाइन प्रिंटर बोल सकते हैं। ये एक लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर बोला जाता है। ठीक है, इससे भी पूरी पूरी लाइन को भी टाइप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो होगी यहीं पे ख़त्म, तो आज के लिए क्लास हम एंड करते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्या होगा भाई, समझ से नहीं आ रही।